बवंडर होगा, बवाल होगा, छाती छातों का कोई हक नहीं ले सकता। नहीं छात हक हम छीन लेंगे सरकार से। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। यहाँ राम मंदिर बन गया, रोजगार का कोई पता नहीं है। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? 5 साल। 5 साल हम लोग मंदिर पे जो है कटोरा लेके बैठने का ही हम लोग को मौका दे रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब जी, ताकि हम लोग उसी मंदिर के नीचे कटोरे लेके बैठे। 70,000 कम से कम 70,000 रोजगार रोजगार दे दिया मोदी। बिना 70,000 के नहीं छोड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए बिकना पहाड़ी पे मौजूद है और सारा भीड़ आपको दिख रहा होगा कि रेलवे वैकेंसी को लेकर मतलब इनका हक छीना जा रहा है। सारे लोग जो है वो रोड पर आपको दिख रहे होंगे। बिकना पहाड़ी यही है और इन लोग का हक छीना जा रहा है, तो सारे लोग जो है वो गुस्से में है। ये बताइए कि क्या होगा? सारे लोग देखिए जो है आपको दिख रहा होगा कि बिकना पहाड़ी के पास मौजूद है। जो सैलाब है सूरज का वो आपको दिख रहा होगा और कोचिंग बंद करा जा रहा है। सब लोग जो है वो रेलवे की वैकेंसी यानी LP हो गई, टेक्नीशियन हो गई, सब लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अभी हम कोचिंग संस्थान सभी टीचर को बोल रहे हैं रोड पर आने के लिए। रोड पर आने के लिए क्या रखते हैं? हम लोग का भर्ती को बढ़ाया जाए। हम लोग जो है LP का सीट 5600 में काम चलेगा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिताजी क्या करते हैं? अरे हम लोग किसान के सारे किसान हम लोग के पिताजी गरीब है, उसके लिए किसान आप बोलिए मजदूर है। हम लोग के पिताजी खेत बेच के भेजे हैं तो पढ़ाने के लिए। चलिए देखिए जो सैलाब आप देख रहे हैं ये हक मांगने का है और रेलवे वैकेंसी को लेकर आपको भीड़ दिख रहा होगा। मुसल्लपुर हाट में मौजूद है और ये सैलाब आपको दिख रहा होगा। ये बताइए कि क्या होगा? अब ये बताइए, बवंडर होगा, बवाल होगा, छात्रों का कोई हक नहीं ले सकता? नहीं छात्र हक हम छीन लेंगे सरकार से। बहुत सारे भाजपा है सरकार में, भाजपा है, जदयू है, राजद। कितना सीट चाहिए? सीट कितना चाहिए? बिना 70,000 के नहीं छोड़ सकते हैं। यही भूखा रह जाएंगे। 5 साल से इंतजार कर रहे थे, ये बताइए। 5 साल से, 5 साल से नहीं है वैकेंसी। देखिए जो सैलाब आप देख रहे हैं वो सारे लोग जो है वो किस तरह से जो लोग हैं जो छात्र हैं अपने अपने वैकेंसी को लेकर अपने हक को लेकर उतरे हैं सड़क पर और सब लोग जो है मुर्दाबाद कर रहे हैं। कोचिंग बताइए कि सीट कितना बढ़ना चाहिए? कोचिंग को बंद करवाया जा रहा है और आपको दिख रहा होगा कि देखिए कि किस तरह से बंद कराया जा रहा है और सब लोग देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो अपने हक को लेकर देखिए मुसल्लपुर हाट में मतलब कि इन लोगों का साफ कहना है कि हक मारा जा रहा है। बताइए कितना सीट चाहिए? सीट कितना चाहिए? सीट कितना चाहिए? 50,000 चाहिए। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? 5 साल। ये बताइए कि हम लोग टीचर रोड पर आइए, हम लोग के साथ दीजिए। हक छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है। अब करेंगे क्या? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कल भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल? हां कल भूख हड़ताल है भैया। और 1 मिनट सब लोग को देख लीजिए, सब लोग को देखिए, सब लोग को देख लीजिए, सबके चेहरे पर देखिए, सब लोग अपने अपने हक को लेकर है यहाँ पे। और आपको दिख रहा होगा कि सब लोग जो है सीट को लेकर कर रहे हैं और हाथों में किताब है। जो लोग कहते हैं ना हम लोग अभी जो लोग संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग कल भूख हड़ताल करेंगे। संवैधानिक तरीके जो भी होगा हम लोग गलत भूख हड़ताल कहाँ करेंगे? हम लोग भूख हड़ताल कहीं करेंगे? यही बताएंगे। हम लोग का रोड है छात्र के लिए, रोड है रोड छात्र का इलाका है, छात्र का इलाका, छात्र एकता जिंदाबाद। देखिए छात्र एकता जिंदाबाद हो रहा है और आपको भी मालूम होना चाहिए कि 6 साल के बाद ये वैकेंसी आती है, 6 साल के बाद बस सीट दिया जाता है। 5600 मतलब समझते हैं 5600 दिया जाता है सीट। और लोग देखिए किसी के पिता किसान हैं तो किसी के पिता मजदूर हैं और सालों से इंतजार करते हैं। क्यों आई है इतनी कम वैकेंसी? जब इतना सारा आप निकलते 70,000 या 50,000 एक साल में हमारे 1 साल में जो है ना उससे ज्यादा रिटायरमेंट लड़का लोग होता है रेलवे से। एक जैसे 56 रेलवे में रिटायरमेंट हो रहा है।
कल स्टेटमेंट दिया गया कि रेलवे के तरफ से कि मेरे पास एक एक करके सब अपना मुद्दा रखिए, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके मदद से हमको पता चलता है कि कौन सा रेलवे बोर्ड में कितना वैकेंसी है। सुनिए सर, कितना वैकेंसी है, बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, सब लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग देखिए कि किस तरह से मांग सीट बढ़ना आप जाने ना जाने। आगे नहीं जाएंगे सब लोग और यही रुक गए हैं और आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से लोग जो है वो अपने हक को लेकर मुसल्ले पर हाथ उतर चुके हैं और सब लोग का मांग है कि हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए सीट, हमको चाहिए रोजगार। आपको दिख रहा होगा कि सब लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, रोजगार के लिए मर रहे हैं और सब लोग देखिए अपने हक को लेकर रहेंगे। सीट सर, हम लोग मंदिर पे जो है कटोरा लेके बैठने का हम लोग को मौका दे रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब जी, ताकि हम लोग उसी मंदिर के नीचे कटोरे लेके बैठे। आखिर रोजगार क्यों, आपने किताब ये दिखाइए, हमारे हम लोग पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं, एकदम तड़प रहे हैं सर, एकदम तड़प रहे हैं। 5,000 वैकेंसी, 5,600 वैकेंसी, ये क्या है, 5,600 से नहीं चलेगा, नहीं एकदम नहीं चलेगा सर, 5,600 से नहीं चलेगा। हर साल कम से कम 1,00,000 वैकेंसी आना चाहिए रेलवे में, हर साल। भारतीय रेलवे कहते हैं कि रोजगार देती है, इतना रोजगार देती है, यही रोजगार है 5,000, 5,600, 6,000, ये क्या रोजगार है सर। 5,600 तो लोग बोल रहे हैं कि लॉटरी लग रहा है, एकदम सर, ये तो बस एक झटका में सब होते, बाकी सब के सब बेरोजगार करेंगे, क्या जवाब देंगे परिवार को, हम परिवार को क्या देंगे, बस वही रहेंगे, राम मंदिर बन चुका है, वहां जाएंगे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, कह रहे हैं कि अब होगा कुछ की नहीं होगा, छात्रों का हक छीना जा रहा कि नहीं छीना जा रहा, तो छात्रों का आज 10 साल से मोदी जी सरकार में है, 10 साल से 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं है और मिला रोजगार नहीं मिला, मिला नहीं मिला, मिला नहीं, कहां से मिलेगा, मिला नहीं मिला, कितना सीट दे रहे हैं, नहीं मिला। इनका हवा था उठ के मुंह में जीरा का फोरन, बताइए यहाँ छात्र इतना और 5,000 वैकेंसी देख के हम लोग थोड़े लॉलीपॉप, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, थोड़े विधायक मंत्री है लॉलीपॉप लेके, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यहाँ राम मंदिर बन गया, रोजगार का कोई पता नहीं है, अब सबको पता है राम मंदिर बन गया, वही चुनाव आयोग बैठेगा, किसी का मन तो नहीं करता होगा प्रोटेस्ट करेगा, छोड़ के सरकार रोजगार मेला लगा के बेरोजगार कर रहा है लोग को, मन करता है प्रोटेस्ट करने का, नहीं एकदम नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी में कर रहा है वहाँ पे, लाठी चार्ज खाए कि नहीं खाए, आए यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ टूटा हुआ है भाई, सुबह से सबको एकत्रित कर रहा है और उसके बाद लाठी चार्ज क्या होगा ये बताइए, अगर सीट नहीं बढ़ा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, जब तक नहीं बढ़ाया तब तक हम लोग मानने वाले में से नहीं है, मानेंगे नहीं, बिहार का धरती चाहिए कि नहीं चाहिए, बिहार का धरती है, बिहार का धरती है, छात्र आंदोलन यही से स्टार्ट हुआ है, पूरा हिंदुस्तान में क्रांति होगा नहीं होगा तो और क्रांति करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का माहौल है, मुसल्लपुर हाट में मौजूद है और भैया ये है छात्रों का इलाका और सारे लोग जो है वो यहाँ पे उतर चुके हैं, साफ कहना है कि अगर रेलवे वैकेंसी में सीट नहीं बढ़ाया गया ना तो आपको दिख जाएगा छात्र का ताकत क्या होता, मांग बस इतना है कि भैया 50,000-60,000 सीट करिए और वैकेंसी को बढ़िया से लाइए, 6 साल के बाद लाते हैं तो ये ड्रामा है, ऐसा लोगों का कहना है, तड़प रहे हैं वैकेंसी के लिए, क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी भीड़ देख सकते हैं, हुजूम देख सकते हैं जो छात्रों का निकल चुका है, तो बस लाइसिटी के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पेज को लाइक करें, धन्यवाद।